डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक न्यूमेरिकल जिसके अंदर हम देखेंगे पहले सॉलिड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, साथ ही साथ इसके अंदर हम करेंगे सेक्शनिंग और इसके बाद हम डेवलपमेंट करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इज अ कॉन 50 मिलीमीटर बेस डायमीटर एंड 70 मिलीमीटर एक्सिस इज स्टैंडिंग ऑन इट्स बेस ऑन एच पी। इट इज कट बाई अ सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी थ्रू बेस एंड ऑफ जनरेटर। ड्रॉ प्रोजेक्शन, सेक्शनल टॉप व्यू, ट्रू शेप ऑफ सेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ सरफेसिस ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। सो हमारे पास यहाँ पर एक सॉलिड दिया गया है, दैट इज कॉन, जिसकी जो पोजीशन है वो है कि वो अपने बेस के ऊपर लाई कर रहा है एच पी के ऊपर, यानी जो बेस है वो एच पी के ऊपर है। तो फ्रॉम फर्स्ट लाइन वी कैन से दैट कि यहाँ पर जो इसका ट्रू शेप होगा या वो आपको टॉप व्यू में मिलेगा। देन इट इज़ कट बाई ए सेक्शन प्लेन 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी, यानी यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर सेक्शन प्लेन है दैट इज 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी। सो जो आपका सेक्शन प्लेन है वो एच पी के अंदर चलेगा, बट विजिबल कहाँ होगा, दैट इज विजिबल इन वर्टिकल प्लेन थ्रू बेस एंड जनरेटर एंड ड्रॉ द शेप। अब नाउ रिक्वायरमेंट क्या है, प्रोजेक्शन है। सो प्रोजेक्शन में क्या होगा, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू, देन सेक्शनल टॉप व्यू, यानी सेक्शन प्लेन चलने के बाद जो हमारे पास जो व्यू बचता है ट्यूब टॉप व्यू वो हमें चाहिएगा, देन ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन एंड देन डेवलपमेंट ऑफ सर्फेसिस। सो फोर रिक्वायरमेंट्स हैं हमारे पास डायग्राम की, ये हम क्वेश्चन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो ट्रू शेप है क्रॉस सेक्शन की वो कहाँ मिलेगी। तो ये हमें क्लियर हो गया पहली लाइन से कि ये एच पी के अंदर मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे एक एक्स वाई लाइन, देन इसके बाद में हम यहाँ पर क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर हमारा जो कोन है उसका जो क्रॉस सेक्शन है वो एक सर्कल होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक्स वाई लाइन के नीचे यहाँ पर अपना क्रॉस सेक्शन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। इस सर्कल को 8 नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं हम। देन हर एक पॉइंट को नेमिंग करेंगे यहाँ पर। नेमिंग करेंगे यहाँ पर सभी की इस तरीके से। सो ए बी सी डी ई एफ जी एच। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, हर एक पॉइंट से ए ई एफ बी सी सभी से यहाँ पर प्रोजेक्टर्स प्रोजेक्ट करेंगे और पॉइंट जो सेंटर है हमारा वहाँ से हम सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। देन वी नो द हाइट ऑफ द जनरेटर दैट इज 65। सो यहाँ पर हमने एंड जनरेटर यहाँ पर जनरेटर के हेल्प से यहाँ पर हमने फ्रंट व्यू भी ड्रॉ कर लिया। नाउ फ्रंट व्यू की नेमिंग करेंगे यहाँ पर। फ्रंट व्यू में ठीक ए के ऊपर ए डैश, एच डैश, बी डैश, सी डैश, जी डैश, एफ डैश, डी डैश एंड ई डैश एंड एपेक्स जो होगा दैट इज़ ओ डैश। नाउ अब हमारे पास हमें दिया हुआ है कि जो सेक्शन प्लेन है दैट इज़ 45 डिग्री इंक्लाइन टू एच पी बिकॉज एच पी इज़ बिलो एक्स वाई लाइन। यहाँ पर जो विजिबल होगा यहाँ पर ये फ्रंट व्यू में विजिबल होगा। तो फ्रंट व्यू में हमें एक लाइन दिखाई देगी दैट इज़ गिवन बाई दिस लाइन। नाउ दिस इज यहाँ पर लिखा हुआ था कि बेस एंड बेस से यहाँ पर जनरेटर जो है वहाँ से आपका सेक्शन प्लेन कट कर रहा है, तो हमने यहाँ पर बेस से यहाँ पर जनरेट कर दिया। ना इसके बाद क्या होगा कि हर एक पॉइंट से यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स डालेंगे क्योंकि अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सेक्शनल टॉप व्यू को ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ सेक्शन प्लेन ने कट किया है वहाँ वहाँ से आप यहाँ पर अपने टॉप व्यू के ऊपर प्रोजेक्टर्स डालेंगे विद द हेल्प ऑफ 2H पेंसिल कुछ इस तरीके से। ना सेंटर पे किस जगह ये कट करेगा इसके लिए हमने यहाँ पर क्या किया, इस लाइन को यहाँ से एक्सटेंड किया
देन यहाँ से हम फिर से वर्टिकल प्रोजेक्टर डालेंगे। तो ये जो हमारा डायमीटर है दैट इज AE, इसको यहाँ पर ये इस पॉइंट पर कट कर रहा है। इस पॉइंट को रेडियस मानते हुए, इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए यहाँ पर कंपास की एक लेग को इस पॉइंट पर रखेंगे, दूसरी लेग को यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से एक हाफ सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। तो हमें यहाँ पर अपने इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएंगे जो कि आपके GC को कट कर रहे हैं। इस तरीके से इनको डार्क कर देंगे पॉइंट को। देन इसके बाद में यहाँ पर हम यहाँ पर अपने बाकी जो पॉइंट्स हैं उनको भी डिनोट कर लेते हैं इस तरीके से। तो अभी यहाँ पर हमारे सारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए हैं। अब इन इंटरसेक्शन पॉइंट को ज्वाइन करेंगे हम एक स्मूथ कर्व की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर जो आपका जो सॉलिड है दैट इज इन कर्वेचर फॉर्म। तो यहाँ पर जो स्मूथ यहाँ पर जो कर्व इनको हम इन सभी पॉइंटों को जो ज्वाइन करेंगे वो विद द हेल्प ऑफ ए स्मूथ कर्व। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक स्मूथ कर्व की हेल्प से इसको जनरेट करेंगे। नाउ ये आपका वो प्लेन है जो कटने के बाद आपको बचा है। इसके बाद क्या करेंगे, इस सेक्शन की जो यहाँ पर आपका जो स्मूथ कर्व आ गया है इसके हैचिंग करेंगे यानी सेक्शनिंग करेंगे। सेक्शनिंग करने का तरीका वही था कि जो भी आपकी आउटर लाइन है या बॉर्डर लाइन है या जो जिस प्लेन में भी आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसकी 45 डिग्री पर आप यहाँ पर सेक्शनिंग करेंगे या सेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ अब सेकेंड नेक्स्ट पॉइंट आता है कि हमें हम यहाँ पर अपना ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन चाहिए, क्योंकि हमारा कोई भी जो यहाँ पर आपका कोई भी जो डायमेंशन है वो ट्रू शेप नहीं दे रही है हमें, ट्रू लेंथ या ट्रू विड्थ नहीं दे रही है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है कि यहाँ पर जो ट्रू आपका शेप होगी वो किस तरीके से होगी। देखिए ट्रू शेप इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रू लेंथ एंड ट्रू ब्रेथ, यानी लंबाई वास्तविक लंबाई और चौड़ाई के जो कॉम्बिनेशन है वो आपको वास्तविक आकृति देगा अपने क्रॉस सेक्शन की। यहाँ से अगर हम टॉप व्यू से यहाँ पर देख रहे हैं तो हमें ये जो क्रॉस सेक्शन है ये छोटा दिखाई देगा, तो ये आपका ट्रू शेप नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इस सेक्शन लाइन के ठीक पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करेंगे दैट लाइन इज X1 Y1। इसके बाद क्या करेंगे, अपने ड्राफ्टर के एक स्केल को जो कि हॉरिजॉन्टल स्केल है उसको इस लाइन के ऊपर रखेंगे और यहाँ से कुछ वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। हर एक पॉइंट से यहाँ पर वर्टिकल प्रोजेक्टर्स ड्रॉ करेंगे। देन इसके बाद क्या करना है, अपनी कंपास लेना है, कंपास की एक लेग को हम यहाँ रखेंगे और दूसरी लेग को यहाँ रखेंगे। इसके अलोंग चलते हुए यहाँ पर जाएंगे, इसको सेंटर मानेंगे और यहाँ से एक आर्क लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देन नेक्स्ट पॉइंट इज़ एच एंड बी, इनका भी इसी तरीके से करेंगे, एच और बी को यहाँ पर रखेंगे इस जगह और यहाँ से हर एक पॉइंट के लिए यहाँ पर हम डायमेंशन को कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पर दो पॉइंट आ जाएंगे, इस पॉइंट से यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा और ये पॉइंट आ जाएगा। तो इन सभी को हम यहाँ पर इसी तरीके से बाकी पॉइंट के लिए भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे और आर्क अपने एक कंपास की एक लेग को इस लाइन के ऊपर रखते हुए यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये सभी हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट आ गए, इनको एक स्मूथ कर्व की हेल्प से यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। अब ये जो सेक्शन है दैट इज़ अ ट्रू शेप, तो जो भी आपने सेक्शन प्लेन यहाँ पर चलाया था उसकी जो ट्रू शेप है वो यहाँ पर जनरेट हो गई है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके अंदर हम यहाँ पर इसके ठीक 45 डिग्री पर यहाँ पर हम सेक्शन लाइन करेंगे कुछ इस तरीके से। नाउ दिस इज अ ट्रू शेप ऑफ दिस गिवन सेक्शन। नेक्स्ट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कि यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ सरफेस करना है यानी सतह का विकास करना है। देखिए हमें जब भी हम एक कोन को ओपन करते हैं तो यहाँ से हमें एक पाई की फॉर्म में आपकी शेप मिलती है, या हम कह दें कि एक जो पिज़्ज़ा होता है उसका जो पार्ट होता है उसकी फॉर्म में हमें एक शेप मिलेगी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर अपनी रेडियस यहाँ पर ट्रू लेंथ देखनी है कि यहाँ पर जो हम सेक्टर ड्रॉ करेंगे उसके लिए रेडियस क्या होगी। तो रेडियस के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें रेडियस हमारी जो भी रेडियस होगी दैट इज़ अ स्लाइंट हाइट। देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो ये जो सेंटर है दैट इज़ ओ ए, इसके ये एक्स वाई लाइन के ठीक पैरेलल में आ रहा है। तो और इसी का जो टॉप व्यू है दैट इज़ ओ डैश ए डैश।
तो जब भी हमें टूल यहाँ पर रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस हमें फाइंड आउट करने का तरीका क्या है कि आपको एक ऐसा एज फाइंड आउट करना है जो कि एक्स वाई लाइन के पैरेलल हो और उसका टॉप व्यू आपको फाइंड आउट हो जाए। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट हो गया है, यहाँ पर जो जो आपकी जो रेडियस होगी दैट इज़ ओ ए के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर ओ डैश ए डैश टॉप व्यू आ रहा है, या ओ ई की रेस्पेक्ट में ओ डैश ई डैश टॉप यहाँ पर फ्रंट व्यू है। तो हमारी जो रेडियस हो जाएगी हम ओ डैश ए डैश ले सकते हैं या ओ डैश ई डैश ले सकते हैं। तो ठीक, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हमने ओ डैश ए डैश को रेडियस मानते हुए इस तरीके से हमने एक सेक्टर ड्रॉ कर लिया है। नाउ हम इसके 8 पार्ट डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर 8 पार्ट को में डिवाइड किया हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 8 पार्ट को डिवाइड कर देंगे और इन सभी की हम यहाँ पर नेमिंग कर देंगे विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो इस तरीके से, और ये फिर से ए, तो इस तरीके से हमारे पास नोटेशन आ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ कैपिटल लेटर्स। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर अपने पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। देखिए ओ की रेस्पेक्ट यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें अपने पॉइंट को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ओ की रेस्पेक्ट में देखेंगे। सो यहाँ पर जो हमारा फाइंड आउट करने का तरीका होगा पॉइंट को, सबसे पहले हम देखेंगे दिस इज़ अ सेंटर कैपिटल ओ। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि ओ डैश से ए डैश के बीच का गैप क्या है। तो ओ यहाँ से ओ ए के बीच का, यहाँ पर तो हमारा पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कटिंग, जो हमारा कट करने के, जो हमारा सेक्शन प्लेन के चलने के बाद जो पॉइंट जो सरफेस बचता है, अब हमें उसको फाइंड आउट करना है। तो ओ डैश से ए डैश के बीच का गैप, यहाँ पर हम एक आर्क लगाएंगे। देन अब हमें फाइंड आउट करना है बी के लिए, जो ये पॉइंट बी आ रहा है। सो बी के फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, बी अगेन इज ऑन स्लांट एज के ऊपर है। तो ओ डैश से बी के बीच का गैप हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ, यहाँ पर एक लेग को कंपास के यहाँ रखेंगे और दूसरी लेग को यहाँ रखेंगे, इतनी रेडियस पे लेके यहाँ पर बी वाली लाइन के ऊपर आर्क लगाएंगे। इसी तरीके से जो हमारा एच वाली लेग है उसके ऊपर भी हम लगा देंगे और बी के ऊपर भी हम लगा देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर सी वाले पर जाएंगे। तो सी वाले पर हम फाइंड देखते हैं कि सी वाले जो जहाँ पर सेक्शन इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ से हमारे पास कोई भी स्लांट एज नहीं है। तो स्लांट एज के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे विद एक्स वाई के पैरेलल में, और जो ये आपके कट करेगी यहाँ पर ओ डैश ए डैश को, इस पॉइंट को मार्क करते हुए अपने एक कंपास के एक लेग को यहाँ पर पॉइंट करेंगे और एक लेग को यहाँ पर पॉइंट करेंगे, इतनी रेडियस लेते हुए यहाँ पर सी वाली लाइन में आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। फिर से देखते हैं, ये जो पॉइंट है इसके लिए हमारे पास कोई स्लांट एज नहीं है। स्लांट एज के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट से एक एक्स वाई लाइन के ठीक पैरेलल, जो कि एरो के थ्रू दिखाया गया है यहाँ पर, एक्स वाई लाइन के ठीक पैरेलल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट को मार्क करते हुए अपनी कंपास की एक लेग को इस पॉइंट पर रखेंगे और एक लेग को इस पॉइंट पर रखेंगे और पॉइंट इस लाइन के ऊपर मार्क करेंगे कुछ इस तरीके से, और इसी तरीके से जी के ऊपर भी हम मार्क कर लेंगे क्योंकि दो सी सी और जी आपका एक ही लाइन के ऊपर लैग कर रहा है। बाकी जो आपके जो सेक्शन इंटरसेक्शन पॉइंट है ये स्लांट एज के ऊपर कट कर रहे हैं। ओ डैश से इनका गैप को मेजर करते हुए कंपास की एक लेग को यहाँ पुट करते हुए, दूसरे लेग को यहाँ पुट करते हुए बाकी दोनों पॉइंट्स के ऊपर हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। और जो आपका ई है, ई ऑलरेडी स्लांट एज के ऊपर है, तो यहाँ से भी ओ डैश के ऊपर एक लेग और इस एक लेग यहाँ पर, और इस तरीके से मार्क कर देंगे। अब क्योंकि हमारा जो यहाँ पर जो सॉलिड दिया गया है ये कर्व के थ्रू जनरेट होते हैं, तो यहाँ पर जो हम पॉइंट को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर एक स्मूथ कर्व की हेल्प से ज्वाइन करेंगे। इन केस अगर हमें हमें यहाँ पर प्रिज्म वगैरह दिया होता तो हम यहाँ पर इन्हें स्ट्रेट लाइन की हेल्प से यहाँ पर ज्वाइन करते, बट क्योंकि ये एक पिरामिड दिया हुआ है यहाँ पर, पिरामिड के फॉर्म में है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे एक स्मूथ कर्व की हेल्प से इन सभी को ज्वाइन कर देंगे और अपना पूरे फिगर को क्या करेंगे यहाँ पर डार्क कर देंगे इस पूरे फिगर को। तो ये जो पूरा पार्ट बचता है ये हमारा क्या कहलाएगा,
डेवलपमेंट ऑफ सरफेसेस। तो जो भी हमारा पार्ट यहाँ पर बचता है, इस ये वाला पूरा पार्ट, ये आपका डेवलपमेंट हो जाएगा इस सेक्शन प्लेन के चलने के बाद। सो तो हमें डार्क क्या करना है, इस पॉइंट, इस पूरे पोर्शन को डार्क करना है, इस पूरे पोर्शन को डार्क करना है, ये डार्क करना है, ये जितने भी प्रोजेक्टर्स लाइन है ये 2H पेंसिल से हमें ड्रॉ करनी है, और इस पोर्शन को भी हमें डार्क कर देना है। सो हमारे पास दिस इज अ सेक्शनल टॉप व्यू, दिस इज ट्रू शेप ऑफ द सेक्शन, एंड दिस इज अ डेवलपमेंट। थैंक यू।